हमारी संस्कृति का अनुपम उदात्त सूत्र है, जिससे संस्कृति जीवंत है, चिरजीवी है, चिरंतन काल से वो अमर और शाश्वत है। हमारी संस्कृति का सनातन स्वर, आइए मेरे साथ मिलकर बोलो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। इसका अर्थ यह है कि जिनमें अहिंसा की सिद्धि रहती है, उनसे पशु पंछी, विशेषकर विषैले पशु पंछी भी वैर नहीं रखते, पूरी प्रकृति उनकी मित्र हो जाती है। यानी मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। सत्य अगर आपका मित्र बन गया है तो समूची प्रकृति आपकी अपनी बन जाएगी, प्रकृति आपका सहयोग करेगी, परिचारिका की तरह से, दासी की तरह से, कई बार मात्रवत, और वो आपकी अनुचरी बन जाएगी। आपने दासियां देखी हैं, किंकरियां, जानते हो किसे कहते हैं, जिनका काम है आपका, आपकी आज्ञा पूरी करना, हुकुम बजाना आपका। राजस्थान में जब जाते हैं तो ये शब्द बड़ा प्रचलित है, खासतौर से मारवाड़ में, हुकुम साहब, थक जाते हैं हुकुम हुकुम सुन के, हुकुम साहब आणाए मम धम्मम। ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, और समूचा सनातन वैदिक वाङ्मय संस्कृत भाषा में। एक प्राकृत भाषा का सूत्र बोल रहा हूं, आड़ाए मम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है, अहिंसा मम धम्मम। कोई मुझसे पूछे कि परमात्मा अरे तेरा धर्म क्या है, तो परमात्मा का धर्म क्या है, अहिंसा, प्रेम उसका धर्म, करुणा उसका धर्म, जिसमें जीव के लिए कभी भी कुछ भी द्वैत नहीं है और कष्ट नहीं है, वो भगवान का विधान है। इसे भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, निर्दोष है, निर्दोषी समम ब्रह्म, जो सबसे निर्दोष है उस जैसा इनोसेंट कोई नहीं है, उस जितना कोई इनोसेंट नहीं है, इतना निर्दोष है भगवान, उसमें उसका विधान में भी कहीं त्रुटि नहीं है, उसका विधान सर्वथा कल्याणकारी है। तो अपने शरीर पर गुड़ लपेट कर और सिंहों के बीच में चले गए, सिंह उनका हाथ पैर चाटते थे, उनका शरीर चाटने लगे, चाटते चाटते गुड़ चाटने लगे, उनकी जिह्वा रुक्ष थी, उनकी त्वचा छिलने लगी, रक्त बहने लगा, पशु उनका रक्त पीने लगे, धीरे धीरे मांस खाने लगे, और लोग उनका शरीर पूरा चबा गए, और उनकी हड्डियां जब बची तो उसे वज्र बनाया गया। लेकिन क्या वो मर गए? शरीर मर जाने से आदमी मर जाता है क्या? ना, उसके कर्म मर जाते हैं। बॉडी बर्न हो गई तो कर्म भी बर्न हो गए आपके भैया। नहीं, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, स्टोरी एंड नहीं है। आपको क्या लगता है आदमी मर गया तो कहानी मर गई? नहीं, अभी स्टोरी बाकी है। ना ना ना, आदमी मर गया और कहानी मर गई, कर्म कहानी साथ चलेगी। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस लोक में मनुष्य बार बार आता है और अपना प्रारब्ध लेकर आता है, और ये कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। ज्ञान से दग्ध किए जा सकते हैं कुछ कर्म, लेकिन प्रारब्ध यानी पक जाने के बाद नहीं। जैसे आपकी हथेली पर मैंने अनेक बार कहा, दो चने रख दिए जाएं, एक भुना हुआ चना, एक कच्चा चना, तो कच्चा चना तो अंकुरित हो सकता है पानी के संग में, लेकिन भुना हुआ चना नहीं। वैसे ज्ञान से कर्म दग्ध किए जा सकते हैं, ज्ञान से अपने को तैयार किया जा सकता है। वैसे ही ये भगवान दधीच ने अपने अस्थियां देकर अवृत्तासुरों से मुक्त किया देवगणों।